फर्स्ट जिसमें हम पढ़ते हैं आज कुछ परिभाषाएं। पहली परिभाषा है संख्या पद्धति। ऐसी पद्धति जिसके अंतर्गत हम कुछ संख्याएं और उसके मध्य संबंधों का अध्ययन करते हैं वह सब संख्या पद्धतियां कहलाती हैं। संख्या पद्धतियों को हमने कुछ भागों में बांटा है। पहला है प्राकृतिक संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग गिनने यानी गणनाओं के लिए किया जाता है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, जिन्हें एन से दर्शाते हैं। होती हैं 1 2 3 4 5 6 8 9 10 डेढ़ डेढ़ डेस। इसी प्रकार पूर्ण संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें हम प्राकृत संख्याओं के साथ 0 जोड़कर प्राप्त करते हैं। यदि प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल कर लिया जाए तो वह सभी संख्याएं कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं। अब आती है पूर्णांक संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं जोड़ने पर पूर्णांक संख्याएं बन जाएंगी। उसी प्रकार धन संख्याएं जो पॉजिटिव संख्याएं हैं वह सब धनात्मक संख्या कहलाती हैं। ऋण संख्याएं जो नेगेटिव संख्याएं वह सब के सब ऋण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक धन और ऋण पूर्णांक। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम पी अपन क्यू के रूप में दर्शा सकते हैं। शर्त है कि क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। सब कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। जितनी भी संख्याएं होती हैं सब परिमेय संख्याएं, नेगेटिव हों या डिवाइड वाली हों 0 हों, सब के सब परिमेय संख्याएं। सिर्फ दशमलव नहीं होना चाहिए और रूट उन पे नहीं होना चाहिए। ओके, अब आती है अपरिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिसे पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते वह कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। कुछ उदाहरण हैं उनके, जैसे पाई, √2 √3 मीन्स अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल, और 22/7 3.14 यानी दशमलव वाली पूरी संख्या वो सब क्या कहलाती है परिमेय संख्याएं। ओके, एक बार और रिवाइज करते हैं। परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p अपान q के रूप में लिख सकते हैं, दर्शा सकते हैं। शर्त है कि q 0 नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या जिन्हें नहीं दर्शा सकते वो कहलाएंगे अपरिमेय संख्याएं। ओके, वास्तविक संख्या। परिमेय और अपरिमेय मिलकर सभी संख्याएं पूर्णतः वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। मींस जितनी भी संख्या आप जानते हैं सबके सब क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। उन्हें दो भागों में बांटा है, सम और विषम। जिनमें दो का भाग जाए वो सम, जिनमें ना जाए वो विषम। दो का भाग नहीं जाने वाली